हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर क्या है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग वैसे ही दो वेवलेंथ मानते हैं किसी एक रेडिएशन में। टू टाइप्स की वेवलेंथ है, वन है लैम्डा और दूसरी है लैम्डा प्लस पी लैम्डा। तो ग्रेटिंग की जो प्रॉपर्टी है अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रेक्ट करने की, मोड़ने की, तो उसके हिसाब से जो लैम्डा वेवलेंथ है वो सपोज थीटा एन एंगल पर मुड़ती है और जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा है वो थीटा एन प्लस डी थीटा एन पर मुड़ती है। यहाँ पर जो एन हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, एन है एनथ प्रिंसिपल, नंबर ऑफ फ्रिंज होती है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पर एन फॉर एनथ प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए है। तो इस तरह से है, ये कोई रेडिएशन है जिसमें दो तरह की वेवलेंथ है, लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। जब वो ग्रेटिंग से पास हुई तो जो लैम्डा वेवलेंथ थी वो थीटा एन पर डिफ्रेक्ट हुई और जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ थी वो थीटा एन प्लस डी थीटा एन पर डिफ्रेक्ट हुई। अब जहाँ पर ये थीटा एन है ना, उस जगह पर एन एस प्रिंसिपल बन रहा है सपोज लैम्डा का, ठीक है। सिमिलरली जहाँ पर ये थीटा एन प्लस डी थीटा एन है वहाँ एन एस प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है लैम्डा प्लस डी लैम्डा का, लेकिन फर्स्ट मिनिमा बन रहा है लैम्डा का। अब ये देखिए ये कैसे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है जैसे कि इस वाले इमेज को हम लोग ठीक से देखें। देखिए इसको, इसको अगर हम लोग देखें ठीक से तो इस तरह से कि ये वाला फिगर अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये थीटा है, थीटा के लिए थीटा का लैम्डा का यहाँ पर थीटा एन पर इसका प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है, ठीक। लेकिन इसका मिनिमा कहाँ पर बन रहा है, इस जगह पर। और वो मिनिमा कहाँ पर बन रहा है, थीटा प्लस डी थीटा पर, ठीक है। लैम्डा प्लस डी लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा किस जगह पर बन रहा है, थीटा प्लस डी थीटा पर। यानी अगर कोई पूछे कि डी थीटा प्लस थीटा पर यानी इस एंगल पर क्या क्या बन रहा है, तो इस एंगल पर बन रहा है लैम्डा प्लस डी लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा और लैम्डा का फर्स्ट मिनिमा, ओके। अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं इस तरह से कि हम लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए इक्वेशन जानते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ग्रेटिंग की इक्वेशन थी ई प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, जो हम लोगों ने मैक्सिमा निकाले थे, जिनको हम लोग कह रहे थे जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो उसके लिए ये इक्वेशन थी ये वाली, यहाँ पर एन था नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो कौन सा वाला था, तो यहाँ पर एन एथ ले रहे हैं तो हम लोगों ने एन ले लिया उसके लिए। तो अगर हम कोई लैम्डा के लिए बोलें कि इस लैम्डा के लिए क्या इक्वेशन हो गई, तो ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ओके, ठीक है। ग्रेटिंग के लिए मिनिमा की क्या इक्वेशन होती है, तो मिनिमा की ये वाली इक्वेशन होती है एन ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है। ये ग्रेटिंग के लिए मिनिमा की इक्वेशन हो गई, ओके। लेकिन यहाँ पर जो एम है इसके लिए कंडीशन थी कि एम की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, कभी एन नहीं होनी चाहिए, कभी टू एन नहीं होनी चाहिए, कभी एन एन नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसके लिए ये लिख दिया कि वेयर एम टेक्स ऑल इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो एन टू एन डॉट डॉट एन एन, है ना। इसकी क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दीज वैल्यू गिव प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो m की वैल्यू कुछ भी हो, वो कभी जीरो नहीं हो, कभी n ना हो, कभी 2n ना हो, कभी nn ना हो, इस तरह से, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, इस m की वैल्यू मान ली n n प्लस 1, ठीक है। अगर हम m की वैल्यू n n प्लस 1 मान लेते हैं तो ये कभी जीरो नहीं होगा, कभी ये n नहीं होगा, कभी ये 2n नहीं होगा, ठीक है, कभी ये nn नहीं होगा। तो हम लोगों ने m की जगह जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, है ना, इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने ये लिखी थी एन ई प्लस डी ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, यहाँ एम की जगह हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, एन एन प्लस वन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो इस तरह से हो गई। अब देखिए जो मिनिमा था वो हम लोगों का बन किस एंगल पर रहा था, थीटा प्लस डी थीटा पर। तो इस थीटा एंगल की जगह ये साइन थीटा था, इस थीटा एंगल की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा प्लस डी थीटा, और इस एम की जगह लिख दे रहे हैं एन एन प्लस वन, ठीक। तो इक्वेशन 2 जो है वो इस तरह से हो गई, एन ई प्लस डी साइन थीटा, है ना, ब्रैकेट में थीटा एन प्लस डी थीटा एन। अब एंगल कौन सा है, फर्स्ट मिनिमा कहाँ बन रहा है, थीटा एन प्लस डी थीटा एन पर, और एम की जगह हम लोगों ने रख दिया एन एन प्लस वन लैम्डा। अब इधर वाला जो एन था उसको उस साइड ले गए, तो ई प्लस डी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन इक्वल टू हो गया एन एन प्लस वन अपॉन कैपिटल एन इंटू लैम्डा। इसको हम लोगों ने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरी वाली वेवलेंथ थी, वो दूसरी वाली वेवलेंथ का नाम था लैम्डा प्लस डी लैम्डा। उस वाली वेवलेंथ के लिए हमें मैक्सिमा की इक्वेशन लिखनी है। तो फिर से जरा फर्स्ट पेज पे आते हैं, ये वाली इक्वेशन थी लैम्डा के लिए।
अगर इसको हम लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए लिखें तो ई प्लस डी ऐसे ही रहेगा, साइन ऐसे ही रहेगा, इस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा, ओके, यानी थीटा एन प्लस डी थीटा एन, ठीक। एन की जगह क्या हो जाएगा, एन की जगह एन ही रहेगा और लैम्डा की जगह हो जाएगा लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक। मतलब अगर हम लोग लिखे नाउ एन एस प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज ऑब्टेंड थीटा एन प्लस डी थीटा एन, तो ये इक्वेशन नंबर वन में जैसे हम लोगों ने लिखा था तो उसी के हिसाब से हम लोग लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए यहाँ लिख रहे हैं। ई प्लस डी ऐसे ही रहेगा, साइन ऐसे ही रहा, वहाँ थीटा एन था, यहाँ पर हो गया थीटा एन प्लस डी थीटा एन इक्वल टू एन एन ऐसे ही रहा, वहाँ लैम्डा था, यहाँ लैम्डा की जगह हो गया लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ओके। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन और टू, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर से दोनों को कंपेयर करा रहे हैं, तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो राइट हैंड साइड को हमने इक्वल कर दिया, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, ठीक, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो हम लोग फर्स्ट इसकी जस्ट पहले वाले लेक्चर में जान चुके थे रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू होता है लैम्डा पॉन डी लैम्डा, तो एक्चुअली इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा लैम्डा पॉन डी लैम्डा, इसी लैम्डा पॉन डी लैम्डा को हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, और ये इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल एन इनटू इनटू कैपिटल एन, ओके। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इक्वल टू हो गया स्मॉल एन इनटू कैपिटल एन। एक टॉपिक हम लोग और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्पर्सिव पावर। देखिए डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है कि द चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। मतलब हो ये रहा है कि अलग अलग लैम्डा अलग अलग एंगल पर मुड़ रही है, यानी लैम्डा चेंज कर रहे हैं तो एंगल चेंज हो रहा है, फिर हम लोगों ने लैम्डा चेंज किया फिर से एंगल चेंज हो रहा है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल या द चेंज ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी डिफ्लेक्शन के एंगल का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, यानी जैसे जैसे हम लैम्डा बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा एंगल चेंज होता जा रहा है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। लैम्डा के चेंज करने से डी लैम्डा का चेंज होना डिस्पर्सिव पावर कहलाता है, यानी डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू हो गया डी थीटा अपॉन डी लैम्डा, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब ये वाला जो डी थीटा अपॉन डी लैम्डा है इसके लिए एक फॉर्मूला हमको निकालना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसके लिए हमको क्या करना है, हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, जैसे कि अभी हम लोगों ने मैक्सिमा के लिए इक्वेशन लिखी थी, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो ई प्लस डी कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोग ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन ऐसे ही और लैम्डा का वन हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमको निकालना क्या था, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा और ये हो गया एन अपॉन ई प्लस डी कॉस थीटा, ठीक। अब ये इसके जो थीटा है यानी साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम अलग करना चाहें हटाना चाहें तो इस कॉस थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं इतना अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इक्वेशन नंबर वन से ये जो साइन थीटा की वैल्यू है ये हम रख सकते हैं, है ना, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन ई प्लस डी, है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन ई प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से रख दी फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक। अब ई प्लस डी जो बाहर है इसको रूट के अंदर ले गए, है ना, तो ये हो जाएगा ई प्लस डी का होल स्क्वायर और माइनस ये ई प्लस डी का होल स्क्वायर से ई प्लस डी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो फाइनली बचा डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन अपॉन अंडर रूट ई प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इससे एन स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो एन स्क्वायर बाहर कॉमन आने पर एन बचा, तो ऊपर वाले एन से ही नीचे वाला एन कैंसिल, है ना। तो फाइनली डिस्पर्सिव पावर डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू आ गया वन अपॉन अंडर रूट ई प्लस डी अपॉन एन का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी हैं, इसकी सीट आज ही हम शेयर करेंगे, ठीक है। इसके साथ एक और सीट शेयर कर रहे हैं जिसमें क्लास नोट्स हैं पीडीएफ में, जो हम लोग इस तरह से लेक्चर में पढ़ रहे हैं इसको हम लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो वो पीडीएफ नोट्स हैं जिनको आप अपनी फेयर कॉपी में कॉपी कर लीजिए समझ के एक बार ठीक से, और कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, ओके।